लखनी तहसील के आलंदूर सेवा सहकारी संस्था के तहत महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना में पहले चरण में 97 किसानों को 47,73,441 रुपए का लाभ दिया गया। इसमें मोरगांव पाथरी दो समूह भी शामिल है। आलंदूर के 31, पाथरी के 47 और मोरगांव के 19 किसान शामिल है। यहाँ की विविध सेवा सहकारी संस्था किसानों की सेवा में सक्रिय है। सरकार की विविध योजनाएं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा संबंधित किसानों को मदद करने के कार्य शुरू है। इसके लिए संस्था के पदाधिकारी नियमित रूप से किसानों की समस्याओं को जानकर उपाय योजना करने में अग्रेसर रहते हैं। जिला बैंक के सहारे संस्था के सभासदों को कर्ज आपूर्ति कर रहे हैं। इसमें बकाया कर्जदारों को सरकार की योजना का लाभ मिले, इसके लिए नियमित रूप से जायजा लेकर 240 सदस्यों को 22,41,056 रुपए की सूची तैयार कर भेजी थी। इसमें 181 किसानों को 79,66,293 रुपए कर्ज माफी घोषित की गई। जिन किसानों को पहले चरण में आधार लिंकिंग कर अपने कर्ज खाते निरंक किए, इसमें 997 किसानों को 47,73,441 रुपए का लाभ तत्काल दिया गया। यह कर्ज माफी पात्र किसानों को भी दी जाएगी। कर्ज माफी योजना में संस्था के 95 प्रस्ताव प्रस्तुत कर 32,55,632 रुपए बकाया राशि संख्या भेजी गई। इसमें पहली कर्ज माफी सूची घोषित हुई। इसमें से 31 किसानों की कर्ज माफी 15,85,856 रुपए बैंक में जमा हुए हैं। संस्था में उनके खाते नील किए गए। पात्री संस्था के 17 किसानों के प्रस्ताव कर्ज माफी के पात्र थे। यह रकम 34,69,047 रुपए है। इसमें से आधार प्रमाणीकरण कर 47 किसानों के 21,74,5,777 रुपए बैंक में जमा हुए। संस्था ने उनके खाते नील कर दिए। मरेगांव संस्था के 858 किसानों के 25,16,377 रुपए का प्रस्ताव सरकार की ओर भेजा गया है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। Thank you.